हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत सिंह यादव और वीडियो सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पहले वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू कमेंट और बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वीडियो में उतना परफेक्शन नहीं था, बट आप सभी ने उसको बहुत प्यार दिया। उसके लिए मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलूँ वो कम है। सेकंड थिंग, आज का टॉपिक जो वीडियो का है वो है सेलिंग इज सर्विंग, जो कि हमारे मेंटर अगेन मिस्टर राहुल भटनागर उन्होंने दिया हुआ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेलिंग इज सर्विंग। एक्चुअली और भी टॉपिक्स थे, मैं उस पर बनाना चाह रहा था वीडियो, बट ये सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा सेलिंग। बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 सालों से करीब सेल इंडस्ट्री में हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि सेलिंग पावर क्या होती है और सेलिंग की सर्विंग क्या होती है। तो मैं बस कुछ अपने विचार आपसे रखना चाहता हूँ जो पिछले 10 सालों में मैंने सीखा है एज ए सेल्स पर्सन, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के थ्रू, कि आप कैसे लोगों को बहुत से ज़्यादा अपने सेल्स से आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँ या अपने साथ कनेक्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, ऐसा है कि सेल्स, जैसा कि हमारे इंडस्ट्री में सिखाया जाता है कि जो पीपल होता है, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, जो लोग होते हैं वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, पीपल बाय पीपल, इंसान जो है या लोग जो हैं वो लोगों को ख़रीदते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का ये पहला नियम है। क्या होता है, सपोज दैट एक काम आप दुकान में जा रहे हो, आप जब कभी आप मार्केट करने जाते हो, तो आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप परचून का मतलब सामान लेने जा रहे हो, अपना ग्रॉसरी का सामान लेने जा रहे हो, या कोई भी सामान लेने आप जा रहे हो, तो आप कभी भी उस दुकानदार या उस शॉपकीपर या जिससे आप ले रहे हो, आप उसका कैरेक्टर नहीं चेक करते हो, आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हो, आप कुछ भी नहीं देखते हो, आप सिंपली अपना एक बार्गेन करते हो या जो आपने पेमेंट दिया और अपना प्रोडक्ट ले लिया। बट मे बी वो जो शॉपकीपर है, कुछ उसका बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट रहा हो, नेगेटिव रहा हो, वो एक अच्छा आदमी ना हो या जो भी हो, बट आपसे आप डजंट मैटर, आपके लिए वो मैटर नहीं करता है। बट हमारी इंडस्ट्री में ये सिखाया गया है फ्रेंड्स कि सेल्स करने के लिए सबसे पहला ज़रूरत है करेक्टर की। किसी भी इंसान का करेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो वो कोई भी सेल नहीं कर सकता, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेनर में। सबसे पहले यहाँ पे लोग क्या होते हैं, आपका कैरेक्टर देखते हैं, वो आपका प्रोडक्ट नहीं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कैरेक्टर देखते हैं, आपका बिहेवियर देखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सेल्स का नियम ये है कि 10% जो सेल्स का वो होता है कि आप प्रोडक्ट आपने बाई किया या आपने प्रोडक्ट सेल किया, सपोज दैट। अब 90% जो बचा है उसका, वो बचा है सर्विस, आप किस तरह से उसको सर्विस दे रहे हो, और आप सेल्स के बाद आपके कनेक्शन उसके साथ क्या है, रिलेशनशिप क्या है, वो मैटर करेगा आपकी ब्रांड बिल्डिंग में। आप देखते हो कि बड़े बड़े ब्रांड आज सालों से व्यापार कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे हैं, तो रीज़न क्या है, उनकी सिर्फ सर्विस। प्रोडक्ट अगर आपने सेल कर दिया या आपने कोई सर्विस है जो आपने किसी को दी, एक कस्टमर को या किसी भी इंसान को, वहाँ से आपका रिलेशन ख़त्म नहीं होता है, वो एक फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ से आपका रिलेशन स्टार्ट होता है। और अब 90% आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा सर्विस आफ्टर सेल, सेल्स के बाद। जैसे कि आप देखते हो कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन मास्टरी का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब राहुल सर को हमने पे किया, नो डाउट हमने उसके वैल्यूएबल चीज़ लिया, कोर्स लिया, बट आप देखते हो कि राहुल सर इतने हजारों स्टूडेंट्स हैं उनके इस कोर्स में, एनरोल्ड मेंबर हैं, वो पर्टिकुलर एक एक इंसान पे पर्सनल फोकस देते हैं, पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। तो मुझे या किसी भी इंसान ने जिसने भी कोर्स बाय किया हुआ है, उसको ये लगता है यार कि मैंने कितनी सही जगह से कोर्स बाय किया हुआ है, क्योंकि कोर्स बाय आप ऑनलाइन और भी बहुत से कोर्स अवेलेबल है मार्केट में, आप बाय कर सकते हो, बट ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये बिल्ड हो पाया है सर्विस की वजह से, जो कि कम्युनिकेशन मास्टरी की टीम ने या राहुल सर ने हम सभी को या उन सभी मेंबर्स को दिया है जिन्होंने उनके साथ कोर्स बाय किया हुआ है।
तो मेरा मानना यह है कि जब भी आप अब किसी भी बिजनेस में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप कोई भी एंटरप्रेनर हैं, आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आजकल हर एक इंडस्ट्री सेल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सेल्स एक फर्स्ट स्टेप है आपका कस्टमर के साथ या आपके टीम मेंबर या किसी भी आप जिसको भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो, फर्स्ट ब्रिज है, एक छोटा सा ब्रिज है जो अब आपको उस तक पहुंचाएगा। लेकिन आगे का रिलेशनशिप आपका सर्विस पे डिपेंड करेगा, जितनी अच्छी आप उसको सर्विस दोगे। अच्छी सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत ही पैम्पर कर रहे हो लाइक दैट। मतलब अगर आप सपोज दैट कोई भी आपने प्रोडक्ट बेचा, वो उसकी किसी समस्या को सॉल्व कर सकता है, तो अब आपको उसको प्रोडक्ट को उसको किस तरह अप्लाई कराना है, उसको किस तरह से उसको सिखाना है कि कैसे वो उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज कर सके, इसी को सर्विस बोलते हैं। और जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहोगे, जब आप लोगों को सर्व करोगे, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर जिसने बाय किया हुआ है उसके अंदर सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने जो ये प्रोडक्ट बाय किया इस बंदे से, मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि ये बंदा मेरे साथ दिन और रात हमेशा खड़ा रहता है कि मुझे इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करके मैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूँ, जीवन को बदल सकता हूँ, नया कुछ सीख सकता हूँ, तो वो कभी भी घबराएगा नहीं। आपके थ्रू उसके एक ऐसा कनेक्शन होगा, ब्रांडिंग होगी। आज आप देखते हो ना, ब्रांड का मतलब क्या होता है कि एक ब्रांड अगर हिट हो गया तो कस्टमर फिर वो ब्रांड नहीं चेंज करता, क्योंकि वो इतना सेटिस्फाइड होता है कि दूसरा अगर दूसरा ब्रांड सेम प्रोडक्ट को अगर उससे कॉस्ट में सस्ता भी दे रहा होता है, बट फिर भी वो अपने पुराने ब्रांड पे ही जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट खरीदने से नहीं मिला है, सेटिस्फैक्शन उसको उसकी सर्विस से मिली है। दैट्स ऑल, यही मेरा छोटा सा विचार है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने शुरुआत करी, अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है, मैं डे बाय डे ग्रो कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और बहुत से लोगों ने बताया मुझे, एडवाइस दिया, मैं उनका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पे फोकस करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जब ट्रैफिक बहुत स्मूथ होता है और रोड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, और सबसे बेस्ट है कि जब मैं अकेले ड्राइव करता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा वही लगता है, क्योंकि मैं उस समय अपने आप से बात कर रहा होता हूँ और एक अलग ही कनेक्शन होता है मेरा खुद के साथ। तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट जगह और कोई नहीं है कि मैं अपनी बात आपके साथ, आप सभी लोगों के साथ रख सकूँ। तो मैं अपने केयर ज़रूर करता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं जो भी ट्रैफिक है, जो भी रूल्स हैं उनका ज़रूर फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ें हैं। सो आज की बात यहीं पे ख़त्म होती है कि सेलिंग इज़ सर्विस। तो आप सेल्स पे ध्यान ना दें, आप अपनी सर्विस पे ध्यान दें, 90% सर्विस पे ध्यान दें, 10% सेल्स पे ध्यान दें, आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस, आपका ब्रांड ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा और आप उस ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हो जहाँ तक भी आपने सोचा हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ख़त्म करूंगा वीडियो। थैंक यू सो मच।